हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनम। इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब सीखने वाले हैं। आप सभी लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? और ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि उनसे ये टॉपिक बनता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या होता है वो जानते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो ना कि किसी भी सेंटेंस में जो काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट है, जो काम हो रहा है वो वर्ब है, और जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। जैसे रियान इज फ्लाइंग काइट, तो रियान सब्जेक्ट, फ्लाई एक्शन हो रहा है तो ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। इतना तो आप सभी लोगों को पता है, राइट? और इसीलिए सब लोग इस टॉपिक को बहुत इजीली लेते हैं, यानी उन्हें लगता है कि यस वी नो दिस। बट अगर ऐसा ही है तो मुझे ये बताओ कि रिया इज क्यूट अगर एक सेंटेंस है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? चलो मान लेते हैं रिया, क्योंकि रिया के बारे में बात हो रही है तो रिया सब्जेक्ट है। तो इसमें वर्ब क्या है, इसमें क्या काम हो रहा है? अगर मैंने बोला रिया इज क्यूट तो इसमें काम तो कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या इसमें वर्ब नहीं है? या ये बताओ क्या है क्यूट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? क्यूट ऑब्जेक्ट है? क्यूट के ऊपर काम हो रहा है क्या? नहीं। तो इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या हुआ? तो मतलब इसमें नहीं है ऑब्जेक्ट और वर्ब? नो, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है और इसमें ऑब्जेक्ट भी है। कैसे? ये आपको वीडियो के एंड तक बन जाएगा, क्योंकि ये इतना एलोबरेटेड, इतना डिटेल्ड टॉपिक है जिसे बहुत लोग लाइटली लेते हैं। आप मत लीजिएगा अगर आप इंग्लिश को लेकर सीरियस हैं, अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके बिना आप इंग्लिश ग्रामर सीख ही नहीं सकते। इस वीडियो के एंड तक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब एकदम डिटेल में आपके लिए क्लियर हो जाएगा। आप ये एक्सरसाइज खुद सॉल्व करोगे मेरे साथ, इसमें मैं नहीं, आप खुद मेरे साथ बताते जाओगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। जैसे अगर मैं बोलूँ आई लाइक कॉफ़ी तो इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, बट स्टिल इसमें एक वर्ब है, तो वो सब क्या है हम अभी देख लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि जो एक्शन करता है किसी भी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होता है, राइट? यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ है, मैंने डेफिनेशन लिख दी है ताकि आप नोट्स मेंटेन कर पाओ। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो जिस सेंटेंस में जो भी करता होता है, किसी सेंटेंस में जो करता यानी जो डूअर होता है, जो किसी काम को करता है, या जिसके बारे में बात हो रही होती है, वो सब्जेक्ट होता है। Any place, idea, person, thing, anything, जिसके बारे में बात हो रही है या जो किसी action को perform कर रहा है उसे हम subject बोलते हैं। Alright? इतना clear है सबको? Subject के type होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी का नाम, जैसे मोहन, सोहन, रिया, अमन, अगर ये मैं बोलूँ तो वही subject है। नहीं, subject के type होते हैं। Noun हो सकता है कोई भी subject, किसी का नाम, किसी वस्तु, जगह, प्लेस। नाउन का वीडियो एक मैंने हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया है, इसके ऊपर मैं एक और सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ। तो नाउन आई थिंक आप लोग जानते हो। तो एक सब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है, यानी जो वर्ड्स हम नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ वो लड़का, तो हम बोलते हैं ना ही, शी, दे, दिस, दैट, दोज, तो ये सारे वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। तो एक सब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, किसी भी जगह, प्लेस, वस्तु, इन सब का नाम हो सकता है। एक प्रोनाउन हो सकता है, ही, शी, इट, नेम हो सकता है, या एक जेरंड हो सकता है। अब आप बोलोगे कि जेरंड क्या होता है, तो ये एक अलग टॉपिक है, इसको अभी बताना पॉसिबल भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम ये तीनों चीज़ें सीखने आए हैं तो इसको एक ईजी वे में सीखें ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो जेरंड अभी हमें नहीं सीखना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर किसी वर्ब में हम ing लगा के उसको एक नाउन के प्लेस पर यूज़ करते हैं, किसी भी वर्ब में, जैसे अगर मैं बोलूँ प्लेइंग, प्ले में मैंने ing लगा दिया, प्लेइंग बन गया, तो उसको मैं एक नाउन के प्लेस पे यूज़ कर दूँ तो वो जेरंड कहलाता है। जैसे प्लेइंग इज़ अ गुड हैबिट, प्लेइंग, तो प्लेइंग से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, वो हमारे सेंटेंस में वो सब्जेक्ट बन गया। तो एक सब्जेक्ट एक जेरंड भी हो सकता है। अगर आप एकदम बिगनर हो तो आपको ये समझ नहीं आएगा, और मुझे नहीं लगता कि अभी आपको समझना भी चाहिए। जेरंड हम आगे धीरे धीरे एक वीडियो में पूरा डिटेल में सीख लेंगे, फिलहाल आप उस पर मत जाओ। तो
क्या क्या हो सकता है? एक सब्जेक्ट, एक नाउन, प्रोनाउन और एक जेरंड हो सकता है, और एक इन्फिनिटिव हो सकता है, और मुझे नहीं लगता कि आपको इन्फिनिटिव अभी समझना चाहिए। इसमें भी बस हम टू आगे लगा के एक वर्ब लगा देते हैं, जैसे प्लेइंग इज अ गुड हैबिट, तो हम बोल सकते हैं टू प्ले इज अ गुड हैबिट। इसमें वर्ब में हम ing लगा के जेरंड बनाते हैं, और इन्फिनिटिव में हम वर्ब के आगे टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। जैसे टू प्ले इज अ गुड हैबिट, दोनों सेंटेंस का मतलब वही निकलता है। तो टू प्ले इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, राइट? तो ये चार तरीके के सब्जेक्ट हो सकते हैं, और एक नाउन फ्रेज भी हो सकता है। जैसे नाउन मैंने बोला किसी का हम नाम लेते हैं, जैसे जैसे रिया इज प्लेइंग, ठीक है, मैंने बोला रिया खेल रही है, तो रिया सब्जेक्ट है। पर रिया के बारे में मैं और डिटेल में बोल दूँ, जैसे रिया हु इज माई फ्रेंड, रिया जो मेरी फ्रेंड है वो खेल रही है, तो मैंने उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, तो रिया हु इज माई फ्रेंड इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो नाउन फ्रेज भी हो सकता है एक सब्जेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते बढ़ते एग्जाम्पल में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा फिर पीछे लेके जाओ, एक बार मुझे फिर से सुन लो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है? जो डूअर है या जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट हो गया, और मैंने आपको सब्जेक्ट के पांच टाइप बता दिए। एग्जाम्पल देख ले, देखो एग्जाम्पल, रिया इज फ्लाइंग काइट, रियान इज फ्लाइंग काइट। तो रियान के बारे में बात हो रही है, कौन पतंग उड़ा रहा है? रियान। तो रियान हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ओके। अंजलि ब्रोक माई पेन, अंजलि ब्रोक माई पेन, किसने मेरा पेन तोड़ा? अंजलि ने। डूअर कौन है, कर्ता कौन है? अंजलि। अंजलि के बारे में बात हो रही है, अंजलि ने काम किया, तो अंजलि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, और यहाँ पे रियान हमारा सब्जेक्ट है, ओके। समझ में आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के टाइप और सब्जेक्ट, आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का, जिसमें ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। रीज़न इसका ये है कि इसके बारे में क्लियर नॉलेज अवेलेबल नहीं है, ज़्यादातर लोग कच्चा पक्का नॉलेज ही जानते हैं इसके बारे में। मैं कोशिश करती हूँ डिटेल में आपको समझाने की, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो में। ऑलराइट, देखो आगे ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। हालांकि है ऑब्जेक्ट समझना बहुत ईजी, थोड़ा सा फोकस करोगे ना तो ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा आपके लिए। देखें क्या होता है ऑब्जेक्ट। देखो, किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का असर, जो भी सब्जेक्ट काम कर रहा है उसका असर जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट यानी कर्म या कारक कहलाता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे किसी ने कोई एक्शन किया तो उस एक्शन का जो रिसीवर है यानी जिस पर उस काम का प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा समझने में, बट वो हम क्लियर कर लेंगे। डेफिनेशन तो आई थिंक क्लियर है। टाइप देख लो पहले ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें तब समझ में आएगा, अभी बताने का कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर, आई टीच स्टूडेंट्स, आई टीच स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं काम कर रही हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, मैं, एक्शन कौन कर रहा है? मैं, आई एम द डूअर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई, आई इज सब्जेक्ट, ऑलराइट। टीच पढ़ाना वर्ब है, क्रिया, जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है वो यहाँ पर वर्ब है, तो ये वर्ब है, अभी मैं आपको और आगे बताऊंगी। सब्जेक्ट ये हो गया वर्ब, और स्टूडेंट मेरे पढ़ाने का असर किस पर हो रहा है, कौन पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, ओके, ये सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी इसके किए काम को जो रिसीव कर रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सिंपल है, ईजी है। आगे देखो, सेकेंड एग्जाम्पल है, शी लॉस्ट हर बैग, शी लॉस्ट हर बैग, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसने अपना बैग खो दिया,
है ना, उससे बैग गुम हुआ। शी के बारे में बात हो रही है, कर्ता शी है तो एस यानी सब्जेक्ट हो गया हमारा शी। क्रिया हो रही है, हम देखेंगे ये हो गया वर्ब। यहाँ पे हर बैग, उसका बैग ऑब्जेक्ट है। उसने क्या खोया, खोने का असर किस पर पड़ा, वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो बैग यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, शी लॉस्ट हर बैग, तो बैग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसका बैग ऑब्जेक्ट है। सिंपल है। अभी आगे और देखो, थर्ड एग्जाम्पल है, ही थ्रू अ बॉल एट मी। ही थ्रू अ बॉल एट मी, उसने मेरे ऊपर बॉल को फेंका, उसने मेरे ऊपर बॉल को फेंका। तो ही सब्जेक्ट है, फेंकना थ्रू, फेंकना थ्रू, ये थ्रो का सेकेंड फॉर्म है, थ्रू है ना। तो वर्ब हमारे पास थ्रू हो गया। अ बॉल एट मी, उसने क्या फेंका, इसके किए काम का असर किस पर पड़ा, क्या फेंका उसने, बॉल को फेंका, तो बॉल यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और एट मी, मेरे ऊपर फेंका ना, मेरे ऊपर फेंका, तो मुझ पर भी तो असर पड़ा, हो सकता है बॉल मुझे हिट कर गया हो, मुझे लग गया हो, तो मेरे ऊपर भी तो पड़ा। तो क्या यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट नहीं है, मी भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ही थ्रू अ बॉल, उसने बॉल फेंका तो बॉल पर असर पड़ा, तो बॉल एक ऑब्जेक्ट है। ही थ्रू अ बॉल एट मी, उसने बॉल मेरे ऊपर फेंका, तो उसके फेंकने का असर मेरे ऊपर भी तो पड़ा ना, तो मैं भी ऑब्जेक्ट हुई। तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। तो जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी किसी के काम का असर दो चीज़ों पर पड़ता है, तो उस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब क्या होता है, मैं वो आपको बताती हूँ। तो जिस पर किसी के काम का डायरेक्ट असर पड़ रहा है वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बॉल पर डायरेक्ट असर पड़ रहा है ना, एकदम बॉल को हिट करेगा, डायरेक्ट असर बॉल पर पड़ा, तो वो हो गया, बॉल हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बॉल हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मेरे ऊपर फेंका, मैं सेकेंडरी ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे ऊपर बाद में पड़ा ना बॉल, तो यहां पर मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूं। ओके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगी। एक ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है, जिससे आप किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी बहुत आसानी से पहचान जाओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो भी आप बहुत आसानी से पहचान जाओगे, वो मैं आपको अभी बताने वाली हूं। पहले फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिया इज क्यूट, रिया इज क्यूट। अब इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है आप बताओ। सबसे पहले तो किसी सेंटेंस में जो काम करता है या जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है, तो रिया तो सब्जेक्ट है, ये तो क्लियर है। ओके, यहां पर ये क्या है, ये हमारा वर्ब है। ठीक है, वर्ब, अब आप तो एक ही वर्ब जानते हो, क्रिया करना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना। तो इज वर्ब कैसे है वो मैं अभी आपको बताऊंगी जब हम वर्ब पढ़ेंगे, फिलहाल इसको रहने देते हैं। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और यहाँ पे क्यूट क्या है, क्यूट तो कोई ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं है जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को रिसीव कर रहा है, क्यूट के ऊपर असर थोड़ी पड़ रहा है। मैंने आपको बोला कि यू आर स्वीट, यू आर क्यूट, या मैंने आपका कोई भी, आपको कोई भी मतलब तारीफ कर दिया, कुछ भी मैंने आपके बारे में बोला, तो जैसे शुगर इज स्वीट, शुगर मीठी होती है, तो मैंने इस शुगर के मीठेपन पर एक क्वालिटी है, वो एक एडजेक्टिव है, उस पर तो कोई असर पड़ा नहीं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं है, राइट, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस कंप्लीट कैसे हुआ, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर तो हम एक ही जानते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो सेंटेंस कैसे कंप्लीट हुआ। एक बात सुनो, किसी भी सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो ही हो, ऐसा कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर जरूर है, बट इसके अलावा भी, इससे भी एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है सेंटेंसेस का, सिंपली सब्जेक्ट और वर्ब, आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, तो ये भी एक सेंटेंस है, ऐसा थोड़ी है कि सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी एक सेंटेंस है। तो किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके, तो एक तो आपने बात समझ ली, बट इसके अलावा भी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब
अगर है और इसके अलावा सेंटेंस में कोई पार्ट है जो ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या होता है? वो पार्ट कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये कहलाता है पूरक। यानी जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लिखा जाता है, जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लिखा जाता है। जैसे मैं बोलूं आई एम, मैं हूं, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं, तो अगर मैंने बोल दिया आई एम तो ये कंप्लीट नहीं हुआ ना, ये सेंटेंस आई एम कंप्लीट नहीं हुआ। उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ यूट्यूबर, व्हाटएवर। तो जो जो भी क्वालिटी बोल दो या कैरेक्टरिस्टिक बोल दो या कोई भी चीज़ बोल दो जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद लिखी जाती है, उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसे कंप्लीट उसे कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। ठीक है, ये आई वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ पे आई नहीं लिखा है, वो तारीफ करना होता है किसी को, है ना, एडमायर करना, ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ पे ई लिखा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट पूरक यानी जो किसी सेंटेंस को कंप्लीट करता है। जैसे क्या एग्जांपल था हमारे पास, रिया इज क्यूट। अब रिया इज है तो इसके बाद यहाँ पे हमने क्यूट लिखा इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अगर इतना बस सेंटेंस होता ना रिया इज, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ये कॉम्प्लीमेंट है जो इसको कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस में रिया कोई काम नहीं कर रही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। आगे अभी हम और एग्जाम्पल देखेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो रिया इज क्यूट। देखो, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाली थी कि किसी भी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को पहचानते कैसे हैं। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानने का एक फॉर्मूला होता है। देखो, वो फॉर्मूला होता है कि आप सेंटेंस में देखना कि व्हाट एंड हुम का आंसर क्या आ रहा है। What and whom का आंसर क्या आ रहा है? आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब से पूछना what या whom, क्या या किस को, अगर आपको आंसर मिल जाए तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, और अगर आपको उस क्या या किस को का आंसर नहीं मिले तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। बहुत सिंपल है। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ लिमिटेड एग्जांपल्स के साथ। जब हम ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे तो सोचो कितने छोटे छोटे डाउट्स अराइव होंगे और उनको हम कैसे क्लियर कर पाएंगे, है ना। वो सारे और ज़्यादा प्रैक्टिस के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। इधर आपको अगर अभी थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, वीडियो को दोबारा देखा जा सकता है, ये लाइव क्लास नहीं है, ऑल्दो लाइव को भी हम रिवाइंड कर सकते हैं एनीवे। तो आप वीडियो को दोबारा भी देख पाओगे, बट इसके पहले तो हमें एक्सरसाइज करनी है, उसमें तो आप सीख ही जाओगे। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, कमिंग टू दिस टॉपिक, कि अगर हमें वर्ब से व्हाट या हुम पूछने पर आंसर मिल जा रहा है तो वहां पर ऑब्जेक्ट है, नहीं तो नहीं है। देखें, ट्राई करते हैं। रियान इज फ्लाइंग काइट। रियान इज फ्लाइंग व्हाट, रियान क्या उड़ा रहा है, काइट। हमें आंसर मिल जा रहा है तो यहां पर ऑब्जेक्ट है और काइट ऑब्जेक्ट है, क्या उड़ा रहा है, काइट। अंजलि ब्रोक माय पेन, अंजलि ब्रोक माय पेन, अंजलि ने क्या तोड़ा, मेरा पेन तोड़ा, तो मेरा पेन यहां पर ऑब्जेक्ट है। ये एग्जांपल देखो, आई टीच स्टूडेंट्स, मैं पढ़ाती हूं, मैं क्या पढ़ाती हूं, मुझे आंसर नहीं मिला। आई टीच स्टूडेंट्स, मैं क्या पढ़ाती हूं, यहां पर वो आंसर नहीं मिला। मैं किसको पढ़ाती हूं, आई टीच हुम, आई टीच स्टूडेंट्स, हुम का मुझे आंसर मिल गया, तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारे ऑब्जेक्ट हैं। शी लॉस्ट हर बैग, शी लॉस्ट हर बैग, शी लॉस्ट व्हाट, उसने क्या खो दिया, उसने अपना बैग खो दिया, शी लॉस्ट हर बैग। व्हाट का आंसर मिल गया ना, शी लॉस्ट व्हाट, क्या खो दिया उसने, हर बैग, अपना बैग, तो उसका बैग यहां पर ऑब्जेक्ट है, शी लॉस्ट हर बैग। ऑलराइट, He threw a ball at me. उसने मुझ पर क्या फेंका, उसने मुझ पर क्या फेंका, उसने मुझ पर एक बॉल फेंका, a ball. तो बॉल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है।
उसने ही थ्रू अ बॉल एट हुम, किस पर फेंका, उसने बॉल किस पर फेंका, मुझ पर फेंका। तो यहां पर हमें दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, उसने बॉल फेंका, उसने बॉल मुझ पर फेंका, क्या फेंका, बॉल किस पर फेंका, मुझ पर, दोनों क्वेश्चन का आंसर मिला। तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हुए, ठीक है, एक बॉल भी हुआ, व्हाट का आंसर भी मिला हमें और हुम का भी आंसर मिला। अब देखो, जिस भी सेंटेंस में हमें व्हाट का आंसर मिल जाता है, व्हाट का आंसर मिल जाता है और हुम का भी आंसर मिल जाता है, तो व्हाट जो आंसर है, व्हाट का जो आंसर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट का जो भी आंसर मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और हुम का जो आंसर मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर स्पेस लिमिटेड है तो मैं हर चीज़ लिख नहीं पा रही हूँ, बट आई थिंक आप सुन पा रहे हो और कॉपी लेके बैठे हो, तो आप नोट ज़रूर करते जाना जो मैं बोल रही हूँ, उसको आप मेंटेन करो, नोट्स अगर आप मेंटेन करो तो लिख दो, क्योंकि मैं यहाँ पर एकदम पूरा केओस हो जाएगा, मैं नहीं लिख पाऊंगी। मैं हालांकि रिपीट रिपीट करके बताती ज़रूर हूँ कि एकदम आपके दिमाग में बैठ जाए। आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा है आपके लिए। तो आपको समझ में आ गया ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, व्हाट हुम का आंसर मिल रहा है और कैसे। तो अब यहाँ पर देखो, अब इस सेंटेंस में मैंने बोला कि व्हाट का आंसर मिल रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हुम का अगर आंसर मिल रहा है तो, अगर व्हाट हुम दोनों का आंसर मिल रहा है, किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, तो व्हाट वाला आंसर क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुम वाला आंसर हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने बोला आई टीच हुम, आई टीच हुम स्टूडेंट्स, मैं किसको पढ़ाती हूँ, टीचर्स स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स क्या यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुए, क्योंकि ये तो हुम का आंसर दे रहा है, इस सेंटेंस में हमें हुम का आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पर ये क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, नो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही एक, तो यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों। अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, भले ही वो व्हाट का आंसर हो या वो हुम का आंसर हो। आई थिंक आई एम क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वहीं पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली बात आएगी, अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला, रिया इज क्यूट। तो इसमें देखो, पहले तो आप एकदम बेसिक देख लो कि रिया कोई काम कर रही है क्या, और रिया के द्वारा किए काम का असर किसी पे पड़ रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो भले ही आपको क्या का आंसर मिल भी रहा है, रिया इज व्हाट, रिया क्यूट है, तो भले ही आपको क्या का आंसर मिल रहा है, बट हम उस तरफ जाएंगे ही नहीं ना, क्योंकि हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि इसमें रिया कोई काम कर ही नहीं रही है, तो इसमें डिक्लेयर्ड है कि ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये एक कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट क्यों है, उसके लिए मैंने आपको ओवरव्यू तो दे दिया है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैं फिर आपको बता देती हूँ। जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है, जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है, इसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट है। जैसे रिया इज क्यूट, तो रिया इज इनकम्प्लीट है। तो ये एक साइन है, ये पहचानने का तरीका है कि क्यूट एक कॉम्प्लीमेंट है। एक और तरीका कॉम्प्लीमेंट पहचानने का, हालांकि कॉम्प्लीमेंट एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है जिसको इसमें नहीं समझाया जा सकता। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत डिटेल में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस समझेंगे विथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, पूरी एक्सरसाइज करेंगे हम इसके ऊपर। तो उस वीडियो को आप वेट करिएगा, उस वीडियो को भी आप देखिएगा अगर आप कॉम्प्लीमेंट समझना चाहते हो। फिर भी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट पहचाने के तरीके बता देती हूँ। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होता है, इसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, रिया इज इनकम्प्लीट सेंटेंस है। दूसरा तरीका ये है कि सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा इक्वल होगा। जैसे रिया क्यूट है, यानी रिया ही क्यूट है, राइट, रिया ही क्यूट है, रिया इक्वल टू, रिया इक्वल्स क्यूट, यानी रिया क्यूट है, ये और ये दोनों इक्वल है। फिलहाल अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो नो वरीज, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। एक और बता देती हूँ कॉम्प्लीमेंट पहचानने का तरीका, कि ये हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। इज, एम, आर, हैव, यानी बी के जो फॉर्म्स होते हैं वो सारे लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। तो लिंकिंग वर्ब्स हम किसी और वीडियो में समझेंगे, उस पर आप अभी मत जाओ। ओके,
तो आई थिंक आपको फिलहाल तो समझ में आ गया है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है. अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो और डिटेल में हमको पढ़ना पड़ेगा. सो जस्ट लेट्स स्टॉप दिस टॉपिक राइट नाउ, आगे बढ़ते हैं. तो आई थिंक अभी तक आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्ब. अब वर्ब क्या होता है वो देखिए. अभी तक आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो वर्ब होता है. यू आर राइट. तो वर्ब के दो टाइप होते हैं, एक होता है मेन वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब. ये तीन टाइप्स होते हैं. तो जो क्रिया हो रही है, जो एक्शन हो रहा है, वो तो मेन वर्ब होता है, राइट? मेन वर्ब, काम करना, क्रिया. बट यहां पे मैंने लिखा है किसी भी सेंटेंस में जो क्रिया या कार्य होता है वो तो है वर्ब. या जो किसी सेंटेंस का काल बताता है कि कोई सेंटेंस किस स्थिति में है, किस टेंस का है, इस वर्तमान का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, अगर वो उसका स्टेट बता रहा है तो वो भी एक वर्ब कहलाता है. जैसे अगर मैंने बोला है रिया इज क्यूट, रिया इज क्यूट, तो मैंने ऐसा नहीं बोला रिया वॉज क्यूट, रिया क्यूट थी. इज जो है हमें ये बता रहा है कि अभी की करंट प्रेजेंट की बात हो रही है कि रिया क्यूट है या रिया क्यूट होगी या हो जाएगी, तो फ्यूचर की भी बात नहीं हो रही है. यहाँ पे अगर लिखा होता रिया विल बी क्यूट तो हम समझ जाते ना कि वो फ्यूचर में हो जाएगी, भविष्य की बात है. तो विल बी जो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते वो उसका स्टेट बताता. या अगर मैं ये बोलती कि रिया क्यूट थी, रिया वॉज क्यूट, तो वॉज से हमें पता चल जाता ना कि वो पास्ट की बात चल रही है. तो जो वर्ब या जो हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस का स्टेट बता रहा है, काल बता रहा है कि वो कौन से काल, कौन से टेंस की बात हो रही है, तो वो हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं. और ये वर्ब का एक टाइप होता है. मॉडल वर्ब भी आपको पता है, कैन, आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ. तो कैन भी शो कर रहा है कि प्रेजेंट की बात है. तो वर्ब के टाइप्स होते हैं मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब. ओके, तो आई थिंक ये क्लियर है आपके लिए. तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी वर्ब एक्शन वर्ब ही हो, वो हमेशा काम ही करे. अगर कोई वर्ब है जो उसकी स्टेट बता रहा है किसी सेंटेंस की, तो वो भी एक वर्ब कहलाता है. वो हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है. अगर आप टेंस वगैरह पढ़े हो तो आपको पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, कितने होते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. तो पहला एग्जाम्पल है आई लाइक टी, मुझे टी पसंद है. तो यहाँ पे एक्शन वर्ब है पसंद करना, लाइक. तो यहाँ पे मेन वर्ब दिया हुआ है, तो लाइक यहाँ पे वर्ब है. और आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, एम प्रेजेंट की स्थिति बता रहा है कि मैं खुश हूँ. तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है अभी की बात कर रहा है, राइट? एम, तो ये यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है. और हैप्पी क्या है? मैं खुश हूँ. तो खुश होने पर तो कोई काम हो नहीं रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट. आई थिंक आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ चुका है बहुत डिटेल में. अभी तक मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, जेरंड, इन्फिनेटिव एंड सो मेनी टाइप्स. और ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपको समझ में आई थिंक आ गया है. और वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया. तो आई थिंक ये सब आपके लिए क्लियर है. तो फटाफट से हम इसके ऊपर एक्सरसाइज कर लेते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. आप पहला, मेरे बताने से पहले वीडियो को पॉज करो, आप खुद सोच लो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, फिर मेरे बताने पर आप देखो कि सही आपने बताया कि नहीं. तो ऐसे में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. तो चलो फटाफट से एक्सरसाइज कर लेते हैं. तो पहला हमारे पास सेंटेंस है, ही ब्रोक द ग्लास, ही ब्रोक द ग्लास. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ही की बात हो रही है. ही ब्रोक द ग्लास, तो ही यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है. ब्रोक, ब्रेक का सेकेंड फॉर्म है तोड़ना. ही ब्रोक, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया. ही ब्रेक व्हाट, उसने क्या तोड़ा? व्हाट का हमें आंसर मिल गया है. तो यहाँ पे हमें मिल गया ग्लास. तो उसने, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, उसने क्या तोड़ा? उसने ग्लास तोड़ा. और ग्लास पर ही असर पड़ा टूटने का, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, आई थिंक आई एम क्लियर. सेकेंड एग्जाम्पल, जॉन इज प्लेइंग गिटार. सिंपल सी बात है, जॉन के बारे में बात हो रही है, तो जॉन सब्जेक्ट हो गया. इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये तो है ही. और प्ले एक्शन वर्ब है, खेलना. तो यहाँ पे प्ले हमारा वर्ब हो गया. तो ये दोनों मिला के कुल मिला एक ही वर्ब काउंट होता है इन जनरल. जॉन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो प्ले हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया. और गिटार, गिटार बजा रहा है. जॉन इज प्लेइंग गिटार, जॉन गिटार बजा रहा है, गिटार पर काम हो रहा है. या सिंपली व्हाट का भी हमें आंसर मिल जा रहा है. जॉन इज प्लेइंग व्हाट, जॉन इज प्लेइंग गिटार. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ऑलराइट, वेरी सिंपल. आगे बढ़े, आई एम हैप्पी.
आई एम हैप्पी, हैप्पी पर कोई काम नहीं हो रहा है, आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ, यहाँ पे मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, क्योंकि काम ही नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट पे असर कैसे होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात तो मेरी हो रही है, आई एम हैप्पी मेरी बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई। एम प्रेजेंट की कंडीशन बता रहा है, आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ, तो एम यहाँ पे हमारा वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, राइट, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, आई एम खुश, मैं खुश हूँ, एम यहाँ पे हमारा वर्ब हो गया। हैप्पी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंपल सी बात है, ये कॉम्प्लीमेंट है, और मैं इक्वल्स खुश, मैं ही खुश हूँ, तो ये दोनों एक ही है, इक्वल है, मैं ही खुश हूँ ना, तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट हुआ, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके, आई एम हैप्पी। नेक्स्ट, ही इंजॉयज म्यूजिक, ही की बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट हो गया, इंजॉय करता है तो ये इंजॉय करता है, इंजॉय वर्ब हो गया ना, मेन वर्ब, तो ये हमारा वर्ब हो गया। वो क्या इंजॉय करता है, वो म्यूजिक इंजॉय करता है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। बट फिर आप बोलोगे कि वो म्यूजिक इंजॉय करता है तो इसमें तो म्यूजिक पे कोई काम नहीं हो रहा है, यू आर राइट, म्यूजिक पे कोई काम नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे ही इज नॉट इक्वल टू म्यूजिक, वो म्यूजिक थोड़ी है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। वो क्या इंजॉय करता है, वो म्यूजिक इंजॉय करता है, यहाँ पे क्या का आंसर भी मिल रहा है और ये इसके बराबर नहीं है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया, याद रखना कॉम्प्लीमेंट में ये हमेशा ये होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है, ऑलराइट, और इसमें हमेशा ये लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, कॉम्प्लीमेंट में जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, उसके लिए आपको लिंकिंग वर्ब समझने पड़ेंगे, इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी, ये सारे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, वो हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, किसकी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, तो मैं सब्जेक्ट हो गई, हैव पास होना एक क्रिया है, वर्ब हो गया, आई हैव अ कार, मेरे पास क्या है, मेरे पास कार है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे कि कार पे तो कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम भले ही नहीं हो रहा है पर मैं कार तो नहीं हूँ, आई एम नॉट अ कार, तो ये इक्वल नहीं है, इसीलिए भी ये एक ऑब्जेक्ट है, और वर्ड का आंसर दे रहा है इसीलिए भी ये ऑब्जेक्ट है, और अगर यहाँ पे अगर ये लिंकिंग वर्ब होता उसके बाद अगर ये आता, लिंकिंग वर्ब के बाद आता तो मैं मान जाती कि कॉम्प्लीमेंट है, पर ये लिंकिंग वर्ब के बाद नहीं आ रहा है, ये एक नॉर्मल वर्ब के बाद आ रहा है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट है, कार नहीं है। हालांकि इसमें मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन था, जो बहुत ज़्यादा मेहनत से क्लियर हुआ था मेरे टाइम पे, कि आई हैव अ कार में, कार पे तो कोई काम नहीं हो रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं है, ये ऑब्जेक्ट क्यों है, ये ऑब्जेक्ट इसीलिए क्यों कि ये इसके बराबर नहीं है, मैं कार नहीं हूँ, आई एम नॉट अ कार, ऑलराइट, और ये लिंकिंग वर्ब के बाद नहीं आ रहा है, और क्या का आंसर भी तो दे रहा है, आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है, मेरे पास कार है। नेक्स्ट, अमित इज स्वीट, तो यहाँ पे अमित इज सब्जेक्ट, इज हमारा वर्ब हो गया, और स्वीट, अमित कोई काम नहीं कर रहा है सो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल विथ फ्रेंड्स, कौन फुटबॉल खेल रहा है, राहुल फुटबॉल खेल रहा है, तो राहुल हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज और ये प्लेइंग हमारा मेन वर्ब हो गया, फुटबॉल राहुल खेल रहा है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, विथ फ्रेंड्स, किसके साथ खेल रहा है, क्या का आंसर भी मिल रहा है, हुम, व्हाट का भी मिल रहा है, हुम का भी मिल रहा है, तो ये भी एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो जो क्या का आंसर देता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो किसका आंसर देता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट देखो, स्विमिंग इज माई हॉबी, स्विमिंग, अब मैंने आपको जेरेंड क्या बताया था कि अगर हम मेन वर्ब में आईएनजी लगा के उसको सब्जेक्ट के जैसे यूज करते हैं तो वो जेरेंड कहलाता है, तो ये जेरेंड है और ये हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि स्विमिंग इज माय हॉबी, मेरी हॉबी क्या है, किसकी बात हो रही है, स्विमिंग की बात हो रही है, इसीलिए स्विमिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो कि ज़्यादातर लोगों को इस टाइप के सेंटेंसेस कन्फ्यूज कर देते हैं, आई थिंक आप कन्फ्यूज नहीं हो। इज यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब बोल दो, इज माय हॉबी, माय हॉबी मेरी हॉबी है, तो ये क्या है, यहाँ पे हॉबी पे काम तो हो नहीं रहा है तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, क्यों, क्योंकि स्विमिंग इक्वल्स टू माय हॉबी, स्विमिंग ही मेरी हॉबी है और ये लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है और ये क्या का आंसर दे रहा है, स्विमिंग इज माय हॉबी, ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। टू स्विम
इज माई हॉबी. मैंने जेरंड बोला था कि अगर हम किसी वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो जेरंड, और यहाँ पे टू लिख के अगर वर्ब लिखते हैं तो वो बन जाता है इन्फिनिटिव. तो ये हमारा इन्फिनिटिव है और ये हमारा सब्जेक्ट है. टू स्विम इज माई हॉबी. ठीक है, टू स्विम क्या है मेरी हॉबी, किसकी बात हो रही है, तैरने की. ये दोनों सेंटेंस सेम हैं, दोनों को इस तरीके से लिखा जा सकता है. आप आगे सीखोगे जब आप इन्फिनिटिव सीखोगे. तो टू स्विम सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हमारा वर्ब, और माय हॉबी कॉम्प्लीमेंट हमने ऊपर देख लिया. राहुल गेव सीमा अ फ्लावर. राहुल ने बात की, राहुल की बात हो रही है तो राहुल सब्जेक्ट है. गेव का सेकेंड फॉर्म, ये हमारा मेन वर्ब है. सीमा, राहुल गेव सीमा अ फ्लावर. राहुल ने सीमा को एक फ्लावर दिया. क्या दिया, ए फ्लावर. तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट. किसको दिया, सीमा को दिया. तो दो ऑब्जेक्ट है. क्या का जो आंसर दे रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ओके, तो यहां तक आई थिंक अब तक आपको सारे टाइप समझ में आ गए हैं. ये पांच है हमारे पास, 1 2 3 4 5. ये 5 सेंटेंसेस आपके लिए है जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. ऑलराइट, ये मैंने अभी तक आपको 10 सेंटेंसेस के एग्जांपल्स बता दिए. मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया. वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है तो मैं आगे और इसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करूंगी. हम नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस सीखेंगे विथ एक्सरसाइज. तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा. तब तक फिलहाल आप इसको सॉल्व करिए और आप कॉमेंट ड्रॉप करिए. फर्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको दे दूंगी कि इनमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब कौन से हैं, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट है तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट है. ये आप सॉल्व करो, कमेंट ड्रॉप करो. वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ. वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा. अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है ये इंग्लिश का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट किसी को समझ में आ जाए जिसको अभी तक समझ नहीं आया था. तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा. कमेंट आप कर दोगे इसको सॉल्व करके अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो. एंड वन मोर थिंग, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत डिटेल में, ईजिएस्ट वे में, जितना ईजिएस्ट वे पॉसिबल है इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं. तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं. उसके लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको टच करना है. उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको टच कर देना है. अगर आप ऐसा करोगे तो इस चैनल पर अपलोड होने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा. ये हालांकि वीडियो लॉन्ग ज़रूर हुआ है बट ये टॉपिक क्लियर करना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि आगे जब हम ग्रामर करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस मंथ में हम ज़्यादातर ग्रामर के ही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. तो जुड़े रहिए इन्फॉर्मेशन सेंटर के साथ और ग्रामर वाले वीडियोस का वेट करिए अगर आप ग्रामर सीखने में इंटरेस्टेड हो. तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं. बट उसके पहले हमारा जो नया चैनल है आईसी इंग्लिश, जहाँ पर बेसिकली स्पोकन इंग्लिश बेस्ड कंटेंट अपलोड होता है, तो आईसी इंग्लिश को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं. तो नहीं भी हैं तो भी आप आईसी इंग्लिश को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जहाँ से भी सीखने का, अच्छे वे में सीखने का मौका मिले तो मिस नहीं करना चाहिए. सो डू सब्सक्राइब इन्फॉर्मेशन सेंटर एंड आईसी इंग्लिश. ऑलराइट, फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं. मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग. We'll be right back.